सो हे गाइस, आज हो गया 4 अगस्त एंड जीएस का एक लेक्चर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी जो वोट्स हमने वोटिंग करवाई थी, सो 45% ऑफ द वोट्स वेंट टू बाइलिंगुअल। सो दिस लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल। जीएस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये हमारा लेक्चर है। सो कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट प्री हिस्टोरिक इंडिया, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपदास एंड मगधन एम्पायर अप टू द मौर्यन किंग्स। नॉट ऑल द मौर्यन किंग्स एक्चुअली, बट स्टिल। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियोज। इस वीडियो का पूरा देखो ताकि जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आए। सो आई ट्राई, जितना मैं इंग्लिश में जा सकता हूँ कोशिश करूंगा। बाकी जो कंटेंट मुझे हिंदी में समझाना पड़ेगा वो मैं हिंदी के लिए रखूंगा। बिकॉज द थिंग इज आई डोंट फील दैट मच ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, बट स्टिल कोशिश करेंगे हम लोग। प्री हिस्टोरिक इंडिया। सो इट वॉज द टाइम वेन राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड एंड दिस वॉज द टाइम वेन पीपल और ह्यूमन वॉज ओनली हंटर एंड गैदरर। सो नो फिक्स्ड सिविलाइजेशन, नो सेटलमेंट, नथिंग। इसके 3 पार्ट्स हैं, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज वो था जब ज्यादातर काम पत्थरों से होता था, हथियार वगैरह, वेपन्स वर मेड फ्रॉम स्टोन्स। ब्रॉन्ज एज वॉज द एज वेन मेटल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड मेटल वॉज यूज एज वेपन, एज यूटेंसिल और समथिंग, लाइक जो भी कुछ था मेटल उसमें यूज होता था वो ब्रॉन्ज एज को करता है। आयरन एज जो है वो पीरियड उसको बताते हैं जब आयरन इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जब अच्छे से खेती बाड़ी शुरू हुई थी, राइट। सो देख लेते हैं अभी कौन सा क्या है। इसको पहले तो बात करते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है प्री हिस्टोरिक को। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ पाओ कि क्या चीजें उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे सिविलाइजेशन, एक फिक्स्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। एग्रीकल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। उस टाइम पे कोई ट्रांसपोर्टेशन या और कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी ऐसी फिक्स, जिसको हम ये बोलें कि ये एक एक पैटर्न में फ्लो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। सो 2.6 मिलियन ईयर्स से 3.3 थाउजेंड को बीसी को हम जो ब्रॉन्ज एज तक के पीरियड को उसको हम स्टोन एज मानते हैं, ठीक है। सो 3 फेजेस इन स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो पैलियोलिथिक इज व्हेन द टूल्स वर बिगर इन साइज, ब्लेड्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस वर मेड एंड दिस इज द टाइमलाइन। टाइम को आप ध्यान रखो, लाइफस्टाइल को ध्यान रख सकते हो तो रखो। मेसोलिथिक वाज इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज माइक्रोलिथ्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या थे? ये 5 सेंटीमीटर तक के पत्थर के हथियार होते थे, पत्थर का एक शेप होता था जिसको बाहले वगैरह के आगे लगा के चलाया जाता था। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है, पेपर्स में पूछा जाता है कि माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं वो किस एज से संबंधित हैं। सो मेसोलिथिक पीरियड ऑफ जो ये प्रीहिस्टोरिक फेज आता है इसमें। नियोलिथिक में क्या है? नियोलिथिक फेज जो है वो एक एंड था स्टोन एज का। उस टाइम पे जो है वो सेटलमेंट दिखने लगी थी, लोग हल्का फुल्का सेटल होने लगे थे एंड एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। नॉट प्रॉपर एग्रीकल्चर बट समहाउ थोड़ा बहुत होने लगा था, और जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी उसमें देखने को मिलता है। द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक स्टेज रिफ्लेक्ट द हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन्स। एग्रीकल्चर जब शुरू होता है अच्छे से, जब नियोलिथिक एंड होता है एंड ब्रॉन्ज एज शुरू होती है, ये पीरियड है बस, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है चाकोलिथिक, उसको देख लेते हैं। सो जब काफी जगहों पर जब एक तरफ एक सेटलमेंट शुरू हो रखी है, उसी सेम टाइम पे कंटेम्प्रेरी टू दैट टाइम देर वॉज ऑल्सो अ सिविलाइजेशन दैट वॉज नॉट दैट मच सुपीरियर और दैट मच अर्बन। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हमारे पास थी 2500 BC में जब वो थी, तब चाकोलिथिक कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते थे राजस्थान के कुछ एरियाज में एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आर कंटेम्प्रेरी टू मैनी चाकोलिथिक कल्चर्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एट दैट टाइम। सो चाकोलिथिक का मतलब ये है, नॉट दैट सुपीरियर, नॉट दैट अर्बन, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। कॉपर एज को बोला जाता है क्योंकि तांबे का ज्यादातर काम इसमें होता था, ठीक है। ये कंटेंट जितना है आप ये पढ़ लो, काफी अच्छी खासी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक में भी 3 तरह के आते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अपर को हम सोचते हैं कि ये पहले आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले लोअर या अर्लियर आया था, उसके बाद मिड आया था, उसके बाद अपर आया था, राइट। सो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज जस्ट द टाइम पीरियड एंड द टूल्स। टूल्स को आप ध्यान से पढ़ो ताकि काम आ जाए।
सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, चकोलिथिक कल्चर, ये सब कुछ दे रखा है। पैस्टरलिज्म शुरू हो गया था एंड काफी कुछ जो है बुल का, मदर गोडेस का, इन सब का कल्ट एक देखने को मिलता है। इन सब की विशेषता जो मतलब वो समान था, जो पद था वो थोड़ा सा सुपीरियर देखने को मिलता है। इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, मतलब प्रकृति के थोड़ा सा ज्यादा नजदीक थे वो लोग। मालवा जोरवे एंड दिस कल्चर, सारे कल्चर डेट के साथ में लिख रखे हैं, इन सबको एक एक बार पढ़ लो, आगे काम आएगा। ठीक है, सो जो प्री हिस्टोरिक टाइम है वो यहाँ पे खत्म होता है, इतना कोई बड़ा नहीं था ये। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइम से किस टाइम तक जो ट्रांजिशन है ह्यूमंस का वो कैसे हुआ था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको ये पूछेंगे कि माइक्रोलिथ्स किस एज के हैं, ये पूछेंगे बड़े बड़े पत्थर जो इस्तेमाल किए जाते थे किस टाइम पे किए जाते थे, या फिर ये पूछेंगे डोमेस्टिकेशन जो है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इट इज अ साइन ऑफ फेज विच पीरियड। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए वो नियोलिथिक का होता है, क्योंकि नियोलिथिक जो है वो एक ट्रांजिशनल फेज था जो पैलियोलिथिक से खत्म होके, मतलब जो प्री हिस्ट्री से खत्म होके और एक नई सिविलाइजेशन के अंदर आने का एक ट्रांजिशन था, वो फेज था, चेंज था। ठीक है, सो जो काम की चीज है ना, जो काम का फेज है, जो काम का चैप्टर है, वो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो देयर इज अ सिटी हरप्पा, सो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट दैट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। सो देन अदर मेनी साइट्स वर ऑल्सो एक्सकेवेटेड, ऑल्सो डिस्कवर्ड बाई डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट ईयर्स। सो उससे क्या हुआ कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम बदल के इंडस वैली सिविलाइजेशन करना पड़ा, क्योंकि इंडस वैली के आसपास में जो चीज़ें वो मिल रही थी, जैसे मोहनजोदड़ो जो था वो भी इंडस वैली के, इंडस की वैली में आता था, इंडस के कैचमेंट एरिया में, और उस एरिया का हिस्सा था ये चौदरवन और ऑल दिस। बाद में क्या हुआ, बाद में हरियाणा की तरफ में, गुजरात में, राजस्थान में, इस एरिया में भी साइट्स वर डिस्कवर्ड, सो द नेम वाज चेंज्ड अगेन टू इंडस सिविलाइजेशन। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कम बोलते हैं और इंडस सिविलाइजेशन ज्यादा बोलते हैं। सो दीज आर द पीपल दैट डिस्कवर्ड रिस्पेक्टिव साइट्स, यू कैन रीड दैट टू। अभी क्या है ना कि ये इतना फेमस क्यों था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कंटेम्प्रेरी टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि चलती थी हमारी मेसोपोटामिया, यानी कि उस टाइम के ईरान, इराक और उस तरफ के एरिया में चलती थी। ठीक है, एक्सपेंशन देख लो अभी, सोख्ता गेंदौर जो कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे था, वहां से लेके और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आलमगीरपुर इन यूपी, यहां तक में चलता था ये। ठीक है, बुरजुहोम जो कि कश्मीर में है, वो काफी पुराना इसका इसकी एक साइट है, जो जिसको हम कई बार प्री हिस्टोरिक साइट्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बाद में वो सिंधु घाटी के की साइट के रूप में भी विकसित हुआ था। सो इसकी कुछ विशेषताएं वो देखो अभी, वेरिंग साइजेस ऑफ साइट्स, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, किसी किसी सिटी में सिटाडेल ही नहीं है, किसी सिटी में तीन हिस्से बना रखे हैं, किसी में एक अच्छी वेल प्लान जो है वो ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, किसी में कुछ है, तो काफी वेरिंग फैक्टर्स रहते थे इसके टाउन्स में। टाउन्स की प्लानिंग भी अच्छी थी इनकी, एकदम अर्बन सेटलमेंट थी। सो टाउन्स वर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटाडेल एंड द लोअर पोर्शन, राइट। सिटाडेल वाज एक्चुअली एक तरफ से ऐसा लगा सकते हो आपके कुलीन लोग जो थे वो रहते थे उसमें, ये मान लो, जहाँ पे थोड़े बड़े लोग, बड़े मतलब धनी लोग, या फिर कास्ट सिस्टम तो एक्चुअली उस टाइम पे इतना प्रिवेल नहीं करता था, सो कास्ट सिस्टम वॉज नॉट एग्जिस्टिंग एट दैट मोमेंट, तो ये मान सकते हो कि धन से ही होता होगा, सो धनी लोग ही रहते होंगे उस तरफ में। ठीक है, प्लानिंग ऑफ हाउसेज था अच्छा खासा, आप किसी गली में से अगर किसी घर के अंदर झांकने की कोशिश करोगे आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि घर के घर में जैसे अंदर घुसते हैं तुरंत सामने दीवार थी, दीवार से लेफ्ट या राइट में जाके रास्ता, फिर जाके घर शुरू होता था। सो प्रेवेसी का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता था, विंडोज थी, सब कुछ था, लेकिन विंडोज क्लोज होने का भी ऑप्शन था, सो प्रेवेसी उनका मेन था, प्रेवेसी रखते थे वो लोग। ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है, गली के बीच में एक ड्रेनेज निकाल रखी होती है जिसको ब्रिक्स से कवर कर रखा है। सो ये सब कुछ था। आर्ट भी काफी अच्छी थी उनकी, वे जो वो सीलिंग्स बनाते थे, सील्स बनाते थे और टॉयज भी बनाते थे। ठीक है, टेराकोटा के, टेराकोटा होता है बर्न्ट, बर्न्ट जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको टेराकोटा बोलते हैं।
जो जो क्ले होती है, बर्न्ड क्ले, उसको टेराकोटा बोलते हैं, उससे कई सारे पॉटरी के काम किए जाते हैं। सो ये जो टाइम है, ये टाइम था 3000 BC से लेके 1500 BC तक का, आप मान सकते हो 2000 BC तक का मान सकते हो। उसके बाद में एक्सटिंक्ट हो गई थी ये सिविलाइजेशन फॉर वेरियस रीजंस, अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। फिलहाल बात करेंगे सिटीज की एंड दो जो फाइंडिंग थी वहां पे हुई थी उनकी। सो हरप्पा, हरप्पा में जो है वो इंडस का स्क्रिप्ट मिला है, ठीक है, पॉटरी के ऊपर कर रखा है वो, और वेट्स मिले हैं। वेट्स जो थे वो डेसिमल वाले, बाइनरी नहीं, डेसिमल नहीं, बाइनरी में वेट्स जो इस्तेमाल किए जाते थे, 2, 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे। कॉपर की एक ब्लॉक की कार्ड मिली है, ह्यूमन एनाटॉमी मिली है, कॉफिन के बरियल्स हैं, टेराकोटा के फिगरीन्स हैं, फिगर्स हैं। मोहनजोदड़ो में तीन चार चीजें अच्छी खासी मिलती हैं। एक मिलती है डांसिंग गर्ल, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी, इसको ध्यान करो, लिख लो, ठीक है। एक पशुपति की सील मिलती है जिसके चारों तरफ में तीन चार जो है वो एनिमल्स को दिखाया गया है, जैसे हाथी को, गेंडे को, राइनो को, टाइगर को एंड बुल को, इनको दिखाया गया है, ठीक है। स्टेटाइट का स्टेचू मिला है, बियर्ड मैन का, जिसको प्रीस्ट किंग भी बोल देते हैं, ठीक है। उसको ऐसा पत्थर पे ड्रेपरी, कपड़े की ड्रेपरी, ड्रेपरी यानी बुनाई कढ़ाई जैसा कुछ दिख रखा है। सो उसको मान देंगे ये मे बी हेड हो सकता है, या मे बी ये एक ईश्वर हो सकता है एक तरह का, ठीक है। यूनिकॉर्न की सील्स मिलती है, यूनिकॉर्न का काफी महत्व था उस टाइम पे, यूनिकॉर्न हर एक सील पे दिखाई देता था, उसको हाईएस्ट जो है ऑनर दिया जाता था एनिमल्स में। पशुपतिनाथ की जो सील है, सील है उसमें पशुपतिनाथ को माना जाता है कि वो प्रोटो शिवा थे, मतलब जो शिव हम आज देखते हैं, शिव भगवान जो देखते हैं वो उससे पहले के शिव थे जो वो लोग मानते थे, ठीक है। ग्रीनरी मिलता है, ठीक है, और ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ वैसे तो काफी जगह थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा बाथ देखने को मिलता है, काफी बड़ा जो उसका एरिया था वो, मे बी फॉर सम रिलीजियस थिंग्स, रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से वो वहां पे बनाया गया होगा, रिलीजियस थिंग्स उसमें परफॉर्म की जाती होंगी। ग्रेनरी थी काफी बड़ी बड़ी, जैसे 6 ग्रेनरी शायद हड़प्पा में मिली हैं, ठीक है। और ये सब सोख्ता के दौर में हड़प्पन बेबीलोनियन ट्रेड होती थी, ठीक है। उनके साइंस मिलते हैं, फ्लिंट प्लेट्स मिलते हैं, स्टोन एरो हेड और कॉपर ब्रॉन्ज डिस्क एंड शेल बीड्स। ओके, चौदड़ों में बैंगल फैक्ट्री, इंक पोर्ट, बीड मेकर शॉप, कार्ट विद सील्ड सीटेड ड्राइवर। ओके, ये ऐसी सिटी थी अकेली जिसमें सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल मैंने बताया आपको क्या होता है। कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, इसमें क्या है, 45 टाउन था इसका लोअर, एंड वुडन ड्रेनेज सिस्टम, कैमल की बोन, फायर अल्टर मिलते हैं। फायर अल्टर जो है ये मेन है, इसको ध्यान करना, सिर्फ फायर अल्टर को लिख लेना। ओके, और राजस्थान में तो कैमल की बोन है, नॉर्मल है, बेसिक है, ये तो वैसे भी ध्यान आ जाएगा अगर पेपर में आ भी गया तो। सो लोथल, पोर्ट टाउन, ग्रेवियर्ड, एवरी वेट्स, कॉपर डॉग, राइस हस्क, फायर अल्टर, चेस प्लेइंग, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट। सो राइस का आप ध्यान रखना, राइस हस्क मिला है लोथल में। सो अगर कभी ये आ जाए कि हरप्पा और मोहनजोदड़ो में राइस जो है, चावल, वो कहाँ से आयात किया जाता था या कहाँ से आता था, तो ध्यान रखना लोथल से आता था। लोथल क्योंकि गुजरात में पड़ता है और एक पोर्ट है, तो यहाँ पे चावल की खेती हो सकती है पानी की वजह से। अभी तो हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, उस टाइम पे इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं था, तो उसी जगह होती थी जहाँ पे पानी हो सकता हो। सो मे बी दैट टाइम वाटर वॉज अबेंडेंट इन दैट पोर्शन ऑफ द लैंड, वहाँ पे चावल की खेती होती थी, ठीक है। फिर सुरकोटड़ा, इसमें हॉर्स बोन मिली है, बीट्स, स्टोन्स, स्टोन कवर्ड बीट्स, ठीक है, ये सब मिला है। हॉर्स बोन ध्यान रखना, बट हॉर्स वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रेवलेंट एनिमल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हॉर्स का इतना ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो मे बी इट वॉज नॉट द मोस्ट प्रेवलेंट एनिमल देयर। बनावली जो कि हरियाणा में है, बीट्स, बार्ले, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स, टोएपलो, टोएपलो जो है वो सबसे मेन है, इसको ध्यान रखना, हल मिला है वहां पे। ऐसे ध्यान रख लेना कि हरियाणा है बनावली, और हरियाणा में जो हल है वो मिलना ही है क्योंकि खेती बाड़ी होती है, ठीक है। ऐसा कुछ लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। धोलावीरा, ये गुजरात की तरफ है, शायद गुजरात में है। एक्सटेंसिव वाटर मैनेजमेंट, थ्री पार्ट सिटी, ज्वाइंट वाटर रिजर्वायर एंड स्टेडियम, रॉक कट आर्किटेक्चर एंड डैम्स, ऐसा कुछ इसमें कंप्लीट दे रखा है, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन और बनते हैं कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओवरऑल सबसे बड़ी साइट कौन सी है। सो सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, वो भी हरियाणा में है। उसके बाद बनती है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया कौन सी है, तो वो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के जो मतलब हड़प्पा के अलावा ओवरऑल देखा जाए तो भी राखीगढ़ी है, और इंडिया में देखी जाए तो भी राखीगढ़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिगेस्ट साइट पूछ सकता है वो लार्जेस्ट साइट, तो हरियाणा आएगा, मतलब राखीगढ़ी आएगा। राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आ गया वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड के टाइम को एक्चुअली थोड़ा डिबेटेड मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि वैदिक पीरियड जो था वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद आया था। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन खत्म इसलिए हुई थी, इसी पे चलते हैं एक बार वापस। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के कारण कुछ लोग मानते हैं कि कुछ इन्वेजन था, अटैक था, क्योंकि काफी लोगों की बॉडी जो हो एक ही जगह पे, काफी लोगों के कंकाल मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हैवी फ्लड की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि कोई अकाल वगैरह पड़ा था, उसकी वजह से जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, वहां पे जो आबादी थी वो खत्म हो गई थी। ओके, सो वैदिक पीरियड, दिस इज द मोस्ट डिबेटेड टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज मैनी ऑफ द थिंकर्स थिंक दैट दे राइट इन द बुक्स दैट दिस पीरियड इज मे बी फ्रॉम 1500 BC टू 500 BC और लेट्स से 300 BC 600 BC। कुछ कुछ ऐसा है कि 1500 से लेके मानते हैं, कुछ 2000 से लेके मानते हैं, कुछ मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का भी है। ठीक है, ऐसे भी मानते हैं, क्योंकि अभी देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अर्बन सेटलमेंट बैठी हुई है, और वैदिक पीरियड में हमें शुरू में देखने को मिलती है पाश्चर्स। ठीक है, जो कि गाय भैंसे चरा रहे हैं, ठीक है, ये सब काम करने वाले। तो भी देखो यार, अभी अर्बनाइजेशन से कोई गाय भैंसों पे क्यों आएगा, है ना, सवाल ये है ना। तो इसीलिए इस फैक्ट को डिनाई किया जाता है कि 1500 BC में ये हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक तो 1500 BC ही चल रहा है, उसको कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। अभी देखो, चार वेद थे, सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ठीक है, या फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद ऐसे बोल लो, क्योंकि अथर्ववेद को फोर्थ माना जाता है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। इसमें दो तरह के ग्रंथ आते हैं, श्रुति एंड स्मृति। ठीक है, श्रुति जो है वो बोलकर याद किया जाता है, एंड स्मृति जो है वो सुनकर याद किया जाता है। ठीक है, श्रुति में एक्चुअली रटना होता है चीजों को बोल बोल के बार बार, एंड स्मृति में गुरु बोलता है, हमको सिर्फ याद करना है, इस तरह के आते थे। वेदों के साथ फिर वेदांग भी आते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस तरह के ये छह वेदांग हैं। अलग अलग जो है वो षड दर्शन के नाम से एक दर्शन बना रखा है, उसके फाउंडर्स की लिस्ट यहाँ दे रखी है, कभी भी पूछा जा सकता है, पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में कभी कभी क्वेश्चन बैठ जाता है जब मूड बनता है एग्जामिनर का। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय गौतम ऋषि, योग महर्षि पतंजलि, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी एंड उत्तम मीमांसा, और जिसको वेदांत भी बोलते हैं वो बद्रायण ने बनाया था। ठीक है, उसके फाउंडर थे। बाद में टीका टिप्पणियां करने वाले बहुत थे, जैसे कि आदि शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने काफी चीजों पे टिप्पणियां लिखी हैं। ठीक है, और भी काफी सारे थे। सो अभी थोड़ी सी देख लेते हैं नॉमनक्लेचर क्या था उस टाइम पे, जो टर्मिनोलॉजी थी वो क्या इस्तेमाल होती थी। सो कुल, जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, कुल यानी फैमिली, उसके हेड को कुलापा बोलते थे, ग्राम ग्रामणी बोलते थे, विश या फिर क्लैन, जो एक घर होता है, कुंडबा होता है, उसको विशपति बोलते थे, जन एक समूह बन गया लोगों का, उसको गोप, उसके हेड को गोप या गोपति बोलते थे, एंड देन राष्ट्र, उसका होता था राजन। सो राष्ट्र हियर इज नॉट द कंट्री, राष्ट्र हियर इज द ट्राइब और द किंगडम। किंगडम उस टाइम एग्जिस्ट करते नहीं थे, ट्राइब ही करते थे, जैसे कि काफी सारे ट्राइब बताए गए हैं। जैसे एक युद्ध होता है, एक वॉर था, उसको दश राजाओं का युद्ध बोला जाता है, जिसमें भरत जो थे, राजा भरत, इसमें विजयी हुए थे। ठीक है, सो उस टाइम पे ट्राइब होते थे, और उस टाइम पे क्या था, गाय वाज कंसिडर्ड द सुपीरियर ऑफ द एनिमल्स, उसको एनिमल भी कंसिडर नहीं करते थे, ऐसा होता था। ठीक है, सो गविष्ठी नाम से एक चीज होती थी, गविष्ठी का मतलब था गाय की चोरी। ठीक है, गाय की चोरी करना या गाय की रक्षा के लिए युद्ध करना, बाद में युद्ध का नाम ही गविष्ठी कर दिया, क्योंकि युद्ध होते ही गाय के ऊपर थे, दूसरे की ज्यादा से ज्यादा गाय अपने कब्जे में लेना,
और अपनी गायों को दूसरे के एरिया में या फिर दूसरे के कब्जे में ना जाने देना ही युद्ध का मकसद होता था, क्योंकि गाय के ऊपर सारी चीजें चलती थी। ठीक है, अभी देखो कुछ विवाह हैं, शादियां एंड हाउ इट वॉज डन, किस तरह से होती थी उसके आधार पे उसका नाम दिया गया। ठीक है, ब्रह्म विवाह बोलते हैं जब फादर जो है वो अपनी डॉटर का हाथ अपनी मर्जी से एक पढ़े लिखे आदमी के हाथ में देता है, उसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। दैव विवाह जब पंडित जी को दे देता है, ब्राह्मण के साथ में शादी करवा देता है। ठीक है, प्रजापत्य एंड ऑल दीज, सो सबसे जो ये चार है ना, ये चार माने जाते हैं सुपीरियर। ओके, और नीचे के चार जो हैं ये थोड़े इन्फीरियर माने जाते हैं। हमारे आज के टाइम पे जो आज की लव मैरिज है उसको गंधर्व विवाह बोलते थे, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों राजी होते हैं, बाकी किसी की जरूरत है नहीं। बोला दूल्हा दुल्हन राजी, क्या करेगा काजी, तो ना बंदे के फादर का काम, ना प्रीस्ट का काम, किसी का कोई काम नहीं, वो खुद कर लेते गंधर्व विवाह। फिर नीचे वालों का नाम से आप पता लगा सकते हो, असुर विवाह, राक्षस विवाह एंड पैशाच विवाह। ठीक है, सो इसमें देख लो फिर कैसे कैसे क्या होता है, पढ़ लेना इसको एक बार। नेक्स्ट, गविष्ठी वॉर फॉर कैटल लिफ्टिंग लेटर बिकेम सिनोनिमस विद वॉर, ये मैं बता चुका हूँ। गौराज मुहूर्त को बोलते थे जिस टाइम पे गाय चर के वापस आ जाती हैं अपने घर पे, उस मुहूर्त को बहुत लकी माना जाता था। ठीक है, शाम के 5-6-7 बजे जो भी टाइम होता। पणी या पानी को बोला जाता था लोगों को जो कि ट्रेड में काम करते हैं, जिस तरह आज जो ट्रेड इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे होते हैं, ट्रेड में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को जैसे वैश्य की कैटेगरी में रखते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको पणी बोला जाता था। ठीक है, निष्का एंड करसप्पण, करसप्पण ये अर्ली कॉइन थे। कई बार कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक देके पूछ लेगा, चार ऑप्शन देके, इनमें से कौन कॉइन नहीं है। ठीक है, निष्का, करसप्पण एंड समथिंग एल्स, और फिर बोलेगा कि बताओ ऑप्शन छाटो अभी, इस तरह से। निवी, वासम, अधिरसम, द्रापी जो है वो कपड़े होते थे जो कि कॉटन वूल या एनिमल हाइड के बनाए जाते थे। ओके, प्रोमिनेंट गॉड्स कौन थे? अभी देखो यहाँ पे एक सवाल है, प्रोमिनेंट गॉड्स इंद्र, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, उषा, यम, रुद्र, ये होते थे, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहे। अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, इन सबका काफी प्रोमिनेंस था, काफी इनको माना जाता था, इनको माना जाता था कि यही गॉड्स हैं, बाकी कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव, जो बेसिकली त्रिमूर्ति या त्रिदेव हैं, वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, एंड इंद्र, वरुण, अग्नि और ये जितने थे, मारुत भी थे एक्चुअली, मारुत भी यहाँ आप डाल सकते हो, मारुत, मारुत जो है वो वनस्पति से, प्लांट से संबंधित होते हैं। ठीक है, सो उनका, इनका, इंद्र वरुण, इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा घट गया, एंड त्रिदेव जो थे वो थोड़े से बढ़ गए ऊपर। ठीक है, ऐसा था। अर्ली वैदिक पीरियड में फीमेल स्कॉलर्स होती थी, घोष, अपाला, लोपमुद्र, विश्ववरा, सीकत, नीवावरी, गोध, अदिति, ये सब थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा इनका जो फीमेल थी उनकी थोड़ी सी कंडीशन वो थोड़ी डेटरेट होने लगी। ठीक है, सो ऐसा हो गया कि फीमेल्स पहले समिति एंड सभा में भाग लेती थी। व्हाट इज समिति एंड सभा? समिति होता था ग्रुप ऑफ जो विलेजर्स हैं, और सभा जो होता था उसमें सारे बंदे बैठते थे। ठीक है, जो गांव के भी हैं टोटल, वो भी विद्वान ऊपर से, और सभा एंड समिति बोथ वो किंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती थी। सो किंग जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता था, निरंकुश नहीं था किंग। इसीलिए जो है हम देखने को हम ये मिलता है कि पहले टाइम से ही हमारे पास थोड़ा सा रिपब्लिक सिस्टम है। ठीक है, तानाशाही नहीं है, मोनार्की नहीं है कंप्लीट। अभी देखो फीमेल्स के साथ क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई, सती प्रथा का हालांकि कोई जिक्र मिलता नहीं है, लेकिन चाइल्ड मैरिज थोड़ी सी प्रेवलेंट हो गई थी, थोड़ा चलन आ गया था चाइल्ड मैरिज का, एंड फीमेल्स की हालत हल्की सी खराब हो गई, उनको सभा या समिति में जाने की इजाजत कम होने लगी, वो खुद ही कम कर दिया होगा, या तो उस टाइम पे उन्होंने, या फिर कोई ऐसी बड़ी विदुषी का नाम सुनने को नहीं मिलता है, इन्हीं का मिलता है सिर्फ। ठीक है, ओके, कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का एक कंसेप्ट होता था, पुरुषार्थ का एक जिक्र दे रखा है जिसमें चार फैक्टर आते थे, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। एक इंसान को ये चार पुरुषार्थ जो है अपने जीवन में निभाने ही निभाने होते थे। ठीक है, धर्म करना होता था उसको, अर्थ यानी कि पैसा कमाना होता था, काम चलाना होता था, काम काम यानी हर तरह का काम, हर तरह की इच्छा मान लो, ठीक है, या फिर
मतलब हर तरह का प्लेजर ऐसा कुछ। एंड मोक्ष लास्ट में जो है वो मोक्ष के लिए उसको काम करना होता था, ईश्वर की साधना करो या जैसे करो जो भी रास्ते उस टाइम थे वो सब। अभी वैदिक पीरियड भी जो है यहाँ पे खत्म होता है। वैदिक पीरियड में मेन मेन क्या था, एक तो आप ये पढ़ लो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है ये सब। अगर ये भी बताने बैठूंगा तो फिर क्या फायदा, मैं आपको टाइमलाइन समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आप थोड़ा बहुत बुक से भी पढ़ लो, ये जितना मैंने बताया है इसको समझने के बाद आप जो है वो थोड़ा सा मतलब आपको पता लग जाएगा इन चीज़ों का कि किस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। अभी आपको प्री हिस्टोरिक से वैदिक पीरियड तक का सब कुछ पता होगा, इंडस वैली वगैरह का। अभी बात करते हैं चौथा चैप्टर महाजनपद। पहले तो ये देखो महाजनपद और उसकी कैपिटल देखो, मैप में ये देखो कि कौन सी चीज कहाँ पे है। मतलब मैप में कई बार ऐसा बोलता है नॉर्थ से साउथ की तरफ के सीक्वेंस में ये बताओ कौन सा कहाँ आता है, ठीक है। मैं एक बार पेन अटैच कर लेता हूँ, अभी देखो। इस तरफ में गंधार से लेके और यहाँ अंग तक, ठीक है, ये नॉर्थ से या फिर ये बोलो कि यहाँ वेस्ट से ईस्ट तक का एरिया चलता है। नॉर्थ से साउथ इस तरफ दिल्ली की तरफ में कुरु था, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र था, कुरु कुरु कुरुवंश कहा गया, कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी, इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली में आता है, ठीक है। मगध का आपको पता है बिहार का एरिया कंप्लीट करता था, बिहार के ही पास में यहाँ पे वज्जी था, वज्जी के साथ साथ में यहाँ पे वत्स था, ठीक है, काशी था, साथ में ही थे सब, कौशल भी था। चार मेन आते हैं, एक अवंती आता है, एक अश्मक आता है, ठीक है, एक यहाँ पे मगध आता है मेन मेन, और एक थोड़ा बहुत जो फैला था वो ये मतलब पांचाल कुरु के आसपास का एरिया फैला था थोड़ा बहुत, ठीक है, इस तरफ का एरिया। अभी क्या है काम की बात, यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन बनता है कि महाजनपद का जिक्र सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। महाजनपद का जो जिक्र है ना वो देखने को मिलता है, वन सेकेंड सिलेक्ट नहीं हुआ के, इसको क्या हो गया यार, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा क्या? ओके, ये कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक। ओके चलो इसको छोड़ो, फिलहाल हम पेन को नहीं छेड़ेंगे। ओके यहाँ पे जो बात आती है मेन, वो बात आती है उसकी जो महाजनपद की, कि महाजनपद जो है वो कहाँ से मिला है, मतलब इसका ब्यौरा कहाँ से मिलता है कि 16 महाजनपद थे। आप ध्यान रखो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमको ये पता लगता है कि भारत में अबाउट 600 BCE और 500 BCE हमको 16 महाजनपद जो है वो देखने को मिलते थे, ठीक है। आप इनकी राजधानी याद कर लो और फिर बाद में थोड़ी बात करते हैं इसके ऊपर। ओके यहां पे लिख देता हूं अंगुत्तर निकाय निकाय, ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट, इसको कॉपी मार लो, कॉपी कर लो इसको, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता था एक। तो यहाँ पे चार जो थे वो मेन थे, अवंती, ठीक है, अवंती, मगध एंड दिस लेट से अश्मक एंड कौशल का, पंचाल का, कुरु के आसपास का ये एरिया था। बाद में क्या होना शुरू हुआ कि मगध जो था वो फैलना शुरू हुआ एंड अवंती और मगध दो अच्छे खासे राइवल हो गए, मैट्रिमोनियल अलायंस भी थे, राइवल भी थे, और बाद में लास्ट में क्या होता है ये सबको पता ही है, ठीक है, जब मौर्य आ गए थे और बाकी सब। पहले तो आप राजधानियां देख लो इनकी, जैसे मगध की राजधानी दो है, राजगिरी पाटलिपुत्र, राजगिरी जो थी वो पहले थी, फिर 4th सेंचुरी BCE 400 BCE में जो है वो पाटलिपुत्र राजधानी ट्रांसफर हो गई थी, ठीक है। ये भी आ सकता है पहले कि पाटलिपुत्र किस साल में, किस सेंचुरी में ट्रांसफर हुई थी। ओके अभी देखो नेक्स्ट महाजनपद जो है वो खत्म होते हैं। महाजनपद कोई ज्यादा इसमें था नहीं, बस ये पता होना चाहिए कहाँ से लिया है, कितने क्या क्या है, ये याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मगध एम्पायर। ओके ये असली चीज अभी यहां से शुरू होगा अपना।
हिरण्यक डायनेस्टी, सबसे पहले बिंबिसार होते थे, ठीक है। बिंबिसार जो थे 544 से 492 तक थे, असली फाउंडेशन इन्होंने रखी थी, ठीक है। वैसे तो हिरण्यक डायनेस्टी में पहले कोई और भी आया था, लेकिन ट्रू फाउंडेशन इनकी है, क्योंकि इन्होंने हाथियों को इस्तेमाल किया था वॉर में। सबसे पहले अंग पे इन्होंने हमला किया, अंग को अपना हिस्सा बनाया। उसके बाद ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, दोनों के दोनों जो है बुद्धा एंड जैन धर्म के लोग ये क्लेम करते हैं कि बिंबिसार ने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को जो है मतलब दोनों को पैटर्नाइज किया, ठीक है। दोनों के पैटर्न थे बिंबिसार। मैट्रिमोनियल अलायंस की इन्होंने कौशल के साथ में, वैशाली के साथ में एंड मद्र प्रदेश के साथ में। मद्र का मतलब मद्र जो पंजाब का एरिया था उस तरफ में था ये, ठीक है। अजात शत्रु उनके बेटे हुए, इन्होंने अपने फादर को मारा एंड वैशाली एंड कौशल के साथ में जो है वो उनको छीन लिया, ठीक है। प्रसेनजीत रूलर होते थे उस टाइम पे, उनको हरा के और कौशल को जीत लिया, ठीक है। ये भी मैट्रिमोनियल अलायंस में थे एक्चुअली में। इन्होंने अजात शत्रु ने शायद प्रसेनजीत की बहन से शादी की, एंड प्रसेनजीत ने अजात शत्रु की लड़की के साथ में शादी की, ऐसा कुछ था इनका। उदयन जो थे वो रूलर थे, लास्ट रूलर इनको माना जाता है, मेन लास्ट रूलर, ठीक है। और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। वन ऑफ दी फाइव किंग्स टू असेंड द थ्रोन बाय पेट्रिसाइड, पांचवे किंग थे ये जो मार मार के अपने फादर्स को, पिता को गद्दी पे बैठे थे। 413 में लोगों ने इनको हटा दिया था, ठीक है। लोगों ने ही हटा दिया था, क्यों हटाया था, उसकी वजह ये थी कि लोगों को ऐसे लोग पसंद, ऐसे रूलर पसंद नहीं आ रहे थे जो अपने पिता को मार के फिर गद्दी पे बैठे हैं। सो शिशुनाग जो है वो बनारस के उस टाइम वाइस रॉय होते थे, वो फिर रूलर बने और नाग डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना उस टाइम पे होती है ऐसे करके। सो शिशुनाग डायनेस्टी, प्रोमिनेंट रूलर इसमें कालाशोक थे। कालाशोक वही है जिन्होंने मेरे ख्याल से दूसरी, हाँ जिन्होंने दूसरी जो बौद्ध संगीति है, बुद्धिस्ट काउंसिल, उसको प्रिजाइड किया था, ठीक है। उनकी इनकी मतलब प्रिजाइड का मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क के तौर पे नहीं, प्रिजाइड का मतलब इन्होंने पैट्रनाइज किया था उसको, उसको बुलाया था, पैसे दिए थे उसके लिए, ठीक है। इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि इन्होंने अवंती के शासन को कमजोर किया, ठीक है। कैपिटल को वैशाली शिफ्ट किया, मगध की कैपिटल को, थोड़े टाइम के लिए हुआ था लेकिन, और फिर शिशुनाग के जाते ही मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के खत्म होते ही वापस राजगिरी एंड पाटलिपुत्र ये सब ऐसा कुछ चल गया था सीक्वेंस, ठीक है। फिर आती है नंद डायनेस्टी, द ग्रेटेस्ट जिसको मैं कंसिडर करता हूँ। ये नौ क्षत्रिय थे, पहले थे ये जो नौ क्षत्रिय थे, ठीक है। महापद नंद ने नंद डायनेस्टी की स्थापना की ब्रोटी में, जो जिन एज अ विक्ट्री ट्रॉफी फ्रॉम कलिंगा जीत के लेके आए थे। एक रथ बोलते थे, एक रथ का मतलब है सम्राटों का किलर, ठीक है, किलर ऑफ द एम्परर्स, इनको एक रथ इसलिए बोला था। उनके 8 लड़के थे जिन्होंने बारी बारी से शासन किया, लास्ट वन वॉज धनानंद। सो धनानंद को डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबको पता है, क्योंकि होता क्या है कि वीक टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम्स, एंड इजी टाइम क्रिएट वीक मैन, सिंपल सी बात है। सो महापद्मनंद अपने टाइम पे ऐसे थे कि बहुत लार्ज आर्मी रखते थे, एंड एपिटोम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मगध एन एम्पायर वॉज सीन, कैन बी सीन इन नंद डायनेस्टी, बहुत बड़ी थी। एंड द रियल रीजन कि सिकंदर लौट गया था वापस वो यही था क्योंकि सामने नंद डायनेस्टी उनको खड़ी हुई दिख रही है, ठीक है। उनको सामने मगध दिख रहा है कि मगध, इतना बड़ा मगध खड़ा है, कैसे लड़ेंगे। अकेले राजा पुरु ने, पौरस ने ही जब पसीने छुटवा दिए तो मगध तो खा जाएगा उनको कच्चा, इसलिए वो वापस चले गए थे, ठीक है। वैसे तो उनको ये पता था कि भारत को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीत लेंगे, एट दैट टाइम जहां पे उस टाइम का जो मैप था उसके हिसाब से वो ये मानते थे कि भारत के बाद में सिर्फ पानी है, उसके बाद में दुनिया है ही नहीं, खत्म है दुनिया। तो यहाँ पे आके एक ऐसा राजा जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है वो क्यों वापस मुड़ेगा, ठीक है। ये कोई ये चीज सेंस नहीं बनाती है कि उसके लोग थक गए वापस चलने लगे, ये बात वो बात, उसको पता था, उसके लोगों को भी पता था कि अगर राजा पुरु ने अकेले ने ऐसा कर दिया, हाथी पहली बार देखे थे ग्रीस वालों ने, जो जो सिकंदर के साथ में आए थे उन्होंने पहली बार हाथी देखे थे युद्ध में। सो हाथी देख के वो बेचारे वैसे ही डर गए, और मारपीट काफी हुई है, ठीक है। बाद में मगधन एम्पायर जब दिख रहा है इतना बड़ा तो किसी की हिम्मत नहीं होती, उस टाइम पे एपिटॉम था ये। सो मगधन एम्पायर खत्म हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइड ऑफ
धनानंद धनानंद कुछ ज्यादा ही हल्के में ले गया चंद्रगुप्त को एंड कौटिल्य को, एंड देन केम द ग्रेटेस्ट मौर्याज। ठीक है, तब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्या एंड उनके लड़के बिंदुसार एंड उनके लड़के अशोक, एंड देन उनकी पीढ़ी में आते हैं फिर कौन, दशरथ, जो कि मारे गए थे हालांकि, और मारे गए उसके बाद में अगली डायनेस्टी चलती है। लेकिन यहाँ तक का था हमारा ये सेशन, मगध एम्पायर अप टू द मौर्यास। धनानंद को खत्म करने के बाद मौर्यास आते हैं। मौर्यास एक अकेला काफी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्या जो थे वो जैनिज्म से प्रभावित थे, उसको भी पढ़ेंगे। फिर बिंदुसार है, उन्होंने भी आजीविकास को काफी दान दिया था, पैटर्नाइज किया था, उसको पढ़ेंगे अलग से। और मौर्या अशोक मौर्य के बारे में तो सब जानते हैं, उनका पूरा का पूरा एक अलग से ही क्या पता चैप्टर रखना पड़ जाए, क्योंकि बुद्धिज्म को काफी वो इन्फ्लुएंस करते थे, बुद्धिज्म ने काफी उनको इन्फ्लुएंस किया था, उन्होंने बुद्धिज्म के लिए काफी चीजें अपने लोग लगाए थे। ठीक है, काफी उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं, पिलर्स बनवाए हैं, तो सब कुछ देखना पड़ेगा एक बार। इसलिए मगधन एम्पायर के जो मौर्या किंगडम थी उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर। अभी बात कर लेते हैं, ये सोर्सेज हैं, अगर किसी को नहीं पता तो कोई अगर ये सोचे कि कहाँ से पढ़ना है, सो इंग्लिश के लिए नीतू सिंह आप पढ़ो, वोकेबलरी के लिए आप ब्लैक बुक पढ़ो, इसको आप ग्रामर के लिए कंसिडर करो। ठीक है, नीतू सिंह को पीडीएफ पढ़ो जहाँ से वे आपको मिले, इंग्लिश माध्यम के पीडीएफ आते हैं डेली, उनको पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करो हो सके तो, यूट्यूब लेक्चर्स तो देखो इंग्लिश के लिए, अनन्या मैम या और जो भी हैं पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मॉक्स को सोल्व करो। ठीक है, पीवाईक्यूज को सोल्व करो, पीवाईक्यू से सब हो जाएगा। जीके के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, परमार एसएससी के लेक्चर देख सकते हो, लूसेंट की पढ़ सकते हो, मॉक्स देख सकते हो। मैंने यहाँ खुद का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि टाइमलाइन समझनी है, समझना है उस टाइम के टाइम को कि कैसे कैसे चीजें हुई थी, तो ये देख लो, वरना तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे, आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जैसे नॉर्मल बेसिक वीडियोज में आपको मिलते हैं, कि वन लाइन पढ़ा दिया बंदे को हवा भी नहीं लग रही कि कंसेप्ट का मतलब क्या, कहाँ से कंसेप्ट उठ गया। ठीक है, सो मैं वो काम नहीं करता हूँ, मेरा काम है नॉलेज देना, ताकि आप तुक्का भी मारो ना, तुक्के में भी पता हो, हाँ मैं यहाँ पे तुक्का मार रहा हूँ इस वजह से मार रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स में अभिषेक ओझा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, पिनाकल या किरण पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले आओ, मॉक्स को सोल्व करो, पीवाईक्यू को सोल्व करो, काम बन जाएगा। रीजनिंग में यूट्यूब देखो यार, कोई भी बुक है उसको पढ़ो, पीवाईक्यू करो एंड मॉक्स देखो, खत्म है। ये मॉक्स का है, ठीक है, पहला मॉक हमने 25 को दिया था, उसके बाद टेस्ट बुक का दूसरा मॉक 27 को, फिर होली बोर्ड आ गया था संडे को 30 को, फिर टेस्ट बुक का एक टेस्ट था 3 को, 1 को, एंड टेस्ट बुक का चौथा टेस्ट 3 तारीख को। एक्चुअली ये 3 को नहीं दिया गया, 4 को दिया गया था, सो इसको 4 कर लेना। ठीक है, एंड 6 तारीख को हम देने वाले हैं होली बोर्ड का टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट तो शायद कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट तो बस यही है। थैंक यू फॉर द वीडियो, हमारे जो सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट, सब्सक्राइबर्स आप गेन करवा रहे हो। ठीक है ना, 1,000 हम हो चुके हैं, सो जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी शायद एक अगले वीक में या 3-4 दिन में, जीके की एक वीडियो और डाल दूंगा, सो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। वीडियो कैसी लगी ये बताओ, पहली वीडियो है मेरी तो मुझे बताओ यार, अगर मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत होती है तो मैं करूंगा, मुझे बिल्कुल इस बात की भनक होनी चाहिए कि मेरी वीडियो कैसी जा रही है। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मॉक टेस्ट की भी हो सकती है या जीएस की भी हो सकती है। ठीक है, सो बाय, और पढ़ते रहो अभी, जय।